गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई कैंपिंग साइट। मुझे पता है मैं दिख नहीं रहा हूँ, अभी मैं अपने टेंट के अंदर हूँ। मैं आपको टेंट के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। अभी टाइम हुआ है सुबह के 5 बजे और मैं यहाँ खुल गई क्योंकि बाहर कुछ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आई। और ये है मेरा टेंट के बाहर का व्यू। आपको वाटरफॉल्स का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, मेरे ठीक सामने ही है वाटरफॉल। ये छोटा वाला है, नीचे बड़ा वाला जिसमें मैंने आपको पहले कल बताया था। व्हाट अ वे टू वेक अप, नाइस, इसी वजह से आया था यहाँ पर। चलो नीचे चलते हैं। मैं कल तक सुबह उठ नहीं पा रहा था, मुझे एग्जॉस्टिंग लग रहा था। आज इतना रिफ्रेश होकर उठा हूँ। डिफरेंस फील करो आप व्हेन यू आर वन विद द नेचर, दिस इज़ हाउ यू फील। तो ये किचन है और यहाँ पर बैठ के हम खाना वाना खाते थे। और ये नीचे का रास्ता जाता है वाटरफॉल्स के लिए। तो ये हमारा बॉनफायर का लोकेशन था जो कि बुझ चुका है। और ये रहा वाटरफॉल का पहला झलक। एक और मेजर फॉल है नीचे, अभी हम वहाँ चलेंगे। क्योंकि हिमा वाटरफॉल में मैं एंजॉय नहीं कर पाया और रेनबो वाटरफॉल में जा नहीं पाया, सो दिस इज़ नेचर्स वे ऑफ कंपेंसेटिंग मी। दिस इज़ द वाटरफॉल नियर माई कैंप साइट और कितना सुंदर है ये देखो, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो भूल भी गया था कि मैं वाटरफॉल मिस किया था, या हिमा वाटरफॉल में पानी ही नहीं था। अभी यहाँ पे आके सारा कंपेंसेट हो चुका है, मेरा यहाँ रुकना साकार हुआ। अभी नेक्स्ट एक एक्टिविटी बचा है, वो है राफ्टिंग। राफ्टिंग हो जाए फिर मैं चला जाऊँगा वापस पूर्णिया। आज 220 समथिंग आउट किलोमीटर्स है यहाँ पूर्णिया यहाँ से, सो दिस इज़ हाउ द प्लान इज़। तो मैं अपने टेंट तक वापस आ चुका हूँ। ये मेरा टेंट है और मैंने यहाँ से एक रास्ता देखा है नीचे वाटरफॉल तक जाने का। हम लोग चुपचाप चलते हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं करते क्योंकि सब सो रहे हैं। लेट्स नॉट डिस्टर्ब पीपल, नीचे चलते हैं। बाय बाय, ठीक है ईशान जी मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय, सी यू। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, त्रिवेणी में। सो फाइनली गुड बाय टू टूर वीक्स एंड द ब्यूटीफुल कैंपिंग साइट। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कह दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ, मंजिल नहीं है अब जाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ, तनहा दिल तनहा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तीस्ता नदी दिख गई, विच मीन्स हम ऑलमोस्ट उतर चुके हैं। अब इस नदी में राफ्टिंग करने का टाइम आ चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं राफ्टिंग साइट पे।
आ चुके हैं राफ्टिंग लोकेशन पे। ये तिस्ता नदी और वहाँ पे कुछ राफ्टिंग हो रही है, देख सकते हो। एक राफ्ट उधर जा रही है एंड वन राफ्ट इज हियर। दिस इज आवर क्रू, आज हम इनके साथ राफ्टिंग करेंगे। तो वी आर ऑल सेट टू गो, राफ्ट उतारेंगे फिर चलेंगे। लैंडस्केप थोड़ा बदल गया है फ्लड के कारण, तो अब आप उतारेंगे पानी में। ये सारा जो आप तबाही देख रहे हो, ये जो लास्ट ईयर फ्लड आई थी उसके वजह से है। राफ्टिंग खत्म, राफ्ट लोड हो रहा है, अभी हम वापस चलेंगे। ठीक है भैया, ओके, ये मैं टेक्स्ट करता रहूँगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दिया आपका? जी जी, थैंक यू, बाय, थैंक यू। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिक्किम की तरफ, नहीं मैं सिक्किम ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ, पेट्रोल ख़त्म हो गया, 52 किलोमीटर रेंज है और मुझे रिफ्यूल करना है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। यहाँ भैया बता रहे थे कि नियरेस्ट पेट्रोल पम्प तो इसी तरफ मिल जाएगा और रेस्ट ऑफ बंगाल से सस्ता है, क्योंकि ये सिक्किम बॉर्डर है। सो जहाँ पे मैं भरवाऊँगा दैट विल बी सिक्किम एक्चुअली, तो वहाँ से भरवा के फिर वापस आएँगे। ये रोड के किनारे आपको जो रेत दिख रहा है ना, ये पानी पूरा ऊपर आ गया था, भयंकर फ्लड हुआ था, भयंकर। मुझे ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ जाना है। दिस प्लेस इज़ मेल्ली और ये सामने है मेल्ली बाज़ार, और हम जाएंगे ब्रिज में। ब्रिज जाने के लिए अच्छा यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। इंडिकेटर ऑन, वेलकम टू सिक्किम। वाओ, सो आई एम एंटरिंग सिक्किम। सो फाइनली सिक्किम एंटर हो ही रही है आज, सही है, प्लान में तो नहीं था। फॉरेनर्स तो नहीं, इंडियन है ना सर? जी जी जी, इंडियन हूँ।
जी जी थोड़ा नहीं मैं इंडियन हूँ। कहाँ से आए? मैं उड़ीसा से। उड़ीसा से जो बाइक में आए? जी जी मैं दार्जिलिंग गया था, वापस जा रहा हूँ, बस पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए फिल करने आया था। जी जी अच्छा जी थैंक यू। जी 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 सर 23 BF। तो इन्होंने लिटरली मेरे सिक्के में एंट्री करवा ही दिया है। सो मैं चाहूँ तो गैंगटॉक रुक भी सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बस पेट्रोल ही भरवाना है, टाइम नहीं है, वरना मैं रुक ही जाता, इतना दूर आया मुझे। 1000 का दे दो, मैं उतना रेंद और नहीं होगा, फुल हो गया। 2-3 रुपए से कुछ कम पड़ा है गैस। सो राइट नाउ आई एम एट सिक्किम। ओके दिस इज साउथ सिक्किम। बहुत अच्छा लग रहा है 3 साल बाद सिक्किम वापस आके, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे सिक्किम बुला रहा है कि आ जा। मैं बस यही बोलना चाहूँगा फिर कभी, बट बहुत ही जल्द। अभी फ्यूल रेंज हो गया 343 किलोमीटर्स, बिंदास जाऊंगा मैं। सिक्किम सी यू सून, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, वापस जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। सिक्किम एंटर करने के बाद तो बिल्कुल नहीं, वो एक अलग नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, बट हैव टू गो। टाइम रिस्ट्रिक्शन, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं और मंडे से मुझे ऑफिस रिज्यूम करना है था, जो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने एक दिन एक्सटेंड किया था। तो आई एम रीचिंग होम ऑन मंडे, तो उस दिन तो काम नहीं कर पाऊँगा, तो मंडे एक दिन छुट्टी लेके ट्यूसडे से मैं रिज्यूम करूँगा। लेकिन अगर सिक्किम जाता हूँ तो सिचुएशन एकदम अलग हो जाएगा, क्योंकि मैं लैपटॉप भी नहीं लाया, लैपटॉप लाता ना तो शायद चीज़ें अलग होती, बट ऐसा नहीं है। अरे बाप रे ये क्या है? सो दिस इज साउथ सिक्किम गेट। ये गेट मुझे पता नहीं था, मैं जहाँ से एंट्री किया था लास्ट टाइम दैट वाज ईस्ट सिक्किम। गैंगटॉक के लिए ईस्ट सिक्किम वाला गेट सही पड़ता है, यहाँ पे क्या आपको फिर घूम घूम के जाना होगा। बट लिविंग सिक्किम विथ अ प्रॉमिस दैट आई विल बी बैक सून। ऐसा सिक्किम एंट्री के लिए कोई प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जा सकते हो, हाँ, बट आप नॉर्थ सिक्किम वगैरह वो सब बॉर्डर एरिया रिस्ट्रिक्टेड जोन अगर जा रहे हो देन आपको परमिट लगेगा। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ सिलीगुड़ी के लिए। पिछली बार यहीं से किया था मैंने राफ्टिंग, आई रिमेम्बर। ये रेलवे टनल बन रहा है यहाँ पे, तो फिर जब ये रेडी हो जाएगा आप सिक्किम ट्रेन से भी आ सकते हो। यहाँ पे तो गर्मी है, ये साउथ सिक्किम है, थोड़ा ईस्ट सिक्किम की ओर जाओगे तो आपको ठंड लगने लगेगी, नॉर्थ सिक्किम में तो आप जम ही जाओगे। अगर आपको जानना है कि वहाँ पे कैसा कंडीशन है आप मेरा सिक्किम वाला ब्लॉग चेक कर सकते हो। सो हम तीस्ता नदी के बगल बगल होते ही जाएंगे। थैंक यू विजिट अगेन, दिस इज़ द गेट टू कालिम्पोंग। जो कालिम्पोंग से आ रहे हैं उनको बोल रहे थैंक यू विजिट अगेन, हम तो गए ही नहीं। आप सपोर्ट करो, कमेंट करो, अगर आप चाहते हो मैं दोबारा सिक्किम आऊँ, कालिम्पोंग एक्सप्लोर करूँ, फिर से दार्जिलिंग आऊँ, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और मुझे अपने थॉट्स बताओ कि आप क्या चाहते हो मैं नेक्स्ट कहाँ जाऊँ। Thank you.
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पता नहीं भाई, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन सिक्किम एंटर करके आया हूँ, लेकिन मेरे को बहुत ही गुड वाइब्स आ रहे हैं, क्यों पता नहीं, लेकिन आ रहे हैं। छुट्टी वाला प्रॉब्लम नहीं होती ना, मैं चला गया होता सिक्किम, गैंगटॉक जाकर रुक जाता आराम से। जितना दूर मैं इधर जा रहा हूँ पूर्णिया, उससे तो कम ही डिस्टेंस है गैंगटॉक, बट नहीं कर सकता। और मुझे कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है सिक्किम में, मुझे सब पता है, जहाँ रुका था वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अगर मुझे कहीं पर अच्छा लगता है ना, मैं दोबारा तिबारा बार बार लगातार वहीं जाता हूँ। जैसे हज़ारीबाग का वो होटल है, मेरे को सही लगता है, मतलब फैसिलिटी के हिसाब से सब कुछ, खाना वाना और लोकेशन के हिसाब से स्ट्रेटजिकली बहुत बढ़िया है। हाईवे के बगल में वहीं पे रुको, आराम से सीधा निकल जाओ। मतलब एक हज़ारीबाग का होटल के लिए समझ रहे हो, मैं धनबाद सिटी ही नहीं गया, धनबाद बोकारो जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया, जस्ट फॉर वन होटल। मतलब इमेजिन कर लो मुझे वो कितना स्ट्रेटजिकली सही लगा, इवन दो मुझे धनबाद बोकारो साइड से डिस्टेंस कम पड़ता, वैसे ही भी बन गया मेरा एक पिट स्टॉप। अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट साइड, आई थिंक इट्स द नेम इज़ होटल पार्क स्क्वायर, अभी एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक मैं सही नाम ही बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं रुका था पूर्णिया में बेसिकली उसी का बात कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया होटल है, मतलब मेरा स्टे तो आते टाइम बहुत बढ़िया था, और मैंने आज बुक भी कर लिया है। मेक माई ट्रिप से आप बुक कर सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो, आपको अच्छी डील्स भी मिल जाएंगी और आपका रूम बुक्ड रहेगा। अचानक से जाके बुक करने से ये अच्छा है, लेकिन मैं कभी कभी अचानक से बुक कर लेता हूँ जब मैं ढूंढता हूँ कुछ नया, और अगर एक बार कुछ सही मिल जाए तो मैं बुक करके रख देता हूँ। काफ़ी टाइम बाद मुझे इतना थ्रॉटल देने का मौका मिला है, पहाड़ में फर्स्ट सेकंड गियर में चला चला के दिमाग ख़राब हो गया था। सिलीगुड़ी के पास है न्यू जलपाईगुड़ी, विच इज कॉल्ड NJP इन शॉर्ट। I have a friend from my college who is from NJP. So, dear friend, if you are watching this video, comment down in the comment section and let me know that you are there. I have an honest question, okay, if any Bengali viewer is watching this, then you do comment, why is West Bengal called West Bengal? Ye dekho Teesta Nadi. So my question is, why is West Bengal called West Bengal? Because we do not have something called as East Bengal. वो पहले था जो इंडिया से अलग हो चुका है, अभी उन्होंने भी ईस्ट बंगाल से नाम चेंज करके बांग्लादेश कर दिया। Then why don't we call West Bengal as just Bengal? Bengali viewers, please answer this question. I need your answers. Thank you.
अभी हम सिलीगुड़ी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है, काफ़ी जगह रुक रुक के जाना पड़ रहा है। बीच में जो बढ़िया सा स्ट्रेच मिला था, थोड़ा थ्रॉटल खोलने का मौका मिला, अभी वो एडजस्ट हो रहा है। गर्मी भी बढ़ चुकी है, अभी जब तक सिलीगुड़ी क्रॉस नहीं होता तब तक ऐसे ही हालत रहेगी, कुछ नहीं कर सकते। टाइम है 3:58, पकड़ लो 4 बज गए, मैं सिलीगुड़ी में हूँ अभी। क्या लिखा है, हट जाए मेरे आगे से, बागडोगरा राइट, सही टाइम पे देख लिया मैंने। और ये कुछ जवान जा रहे हैं, उनको मेरा दिल से सलाम। ये महानंदा ब्रिज है, कर्शंग 45, दार्जिलिंग 77, बागडोगरा 12, एयरपोर्ट कोलकाता 578। जल्द से जल्द सिलीगुड़ी से निकलो। आते टाइम मैं सिलीगुड़ी नहीं आया था तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ा था, जाते टाइम मुझे झेलना पड़ रहा है। भाई साहब, सिलीगुड़ी मेन सिटी पार हो चुका है इसलिए रोड थोड़ा खुला खुला लग रहा है। हालत ख़राब हो गया यार, ट्रैफिक, धूल मिट्टी, धुआं, गर्मी, ओह, डिले तो भयंकर हुआ है। 4:25, मैं 3:30 बजे, 1 घंटा आसपास लग गया सिलीगुड़ी पार करने के लिए। बागडोगरा 8, कोलकाता एयरपोर्ट 5:55, कोलकाता 5:55, बागडोगरा एयरपोर्ट 8। पूर्णिया कितना, 172 भाई साहब, किशनगंज 92, रायगंज 167। अरे यार 172 बोल रहा है।